मायावती ने दिखाया दानिश को बाहर का रास्ता, तो कांग्रेस ने खोल दिया सहारे का दरवाजा। अजय राय ने किया इशारा, दानिश अली ने कहा हाथ ही है मेरा सहारा। बीएसपी से सस्पेंड हुए अमरोहा के सांसद दानिश अली के लिए कांग्रेस ने अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल कर रख दिए हैं। रविवार को हापुड़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दानिश अली का कांग्रेस में स्वागत है, अगर वे चाहेंगे तो कांग्रेस उन्हें 2024 के इलेक्शन में लड़ाएगी। हापुड़ के प्रीत विहार में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश चीफ अजय राय मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई कांग्रेस की हार पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस हार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटा है, लेकिन कांग्रेसी एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ 2024 की तैयारी में जुट गई है। अजय राय ने कहा कि विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा चुनाव दोनों में काफी अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेंगी। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेसी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रही है। मौजूदा सरकार से किसान परेशान है। गन्ने के किसानों का पहले 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हर साल रेट बढ़ाया जाता था, लेकिन इस सरकार में किसानों को गन्ने की फसल पर 20 रुपए नहीं बढ़े हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। आपको बताते चलें कि बीएसपी ने 9 दिसंबर को अपने लोकसभा सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। दानिश अली यूपी के अमरोहा से सांसद हैं। बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि लोकसभा सांसद दानिश अली को इससे पहले कई बार पार्टी की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अली कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि सच में दानिश अली कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं या फिर किसी और पार्टी का। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।